चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ जी, मैं तो छोले भटूरे लगाता हूँ 29 में। तो मेरी गुड़िया है, इसने कहा था भी पापा को जो वैक्सीन लगा के आया उसको लिए एक प्लेट फ्री दे दिया करो। तो मैंने घर में डिस्कस करते घर वाले कहते चलो ठीक है जी, एक प्लेट दे दिया करो फ्री। तो 2-2.5 महीने से ही काम कर रहा हूँ जी मैं, बाकी 25-30 बंदों को रोज खिला देता हूँ जो वैक्सीन लगा के आते हैं। अपना वो दिखाते हैं मोबाइल में मैसेज डे टू डेट का, तो फिर दे देते हैं जी खाने के लिए। बाकी बच्चों की तरह से हम भी यही कहेंगे कि बंदे को वैक्सीन लानी चाहिए जरूरी। ये दो बच्चे इन्होंने कहा मुझे, कहता ऐसे नहीं पापा ऐसा करा करो आप, मैं ठीक है जी। मोदी जी की बड़ी मेहरबानी जी, गवर्नर साहब जी ने भी मुझे चूट करा था, वो भी बड़ी SDM साहब आए थे जी। हम TV में देख रहे थे न्यूज़, तो कुछ बाहर के देश वाले लोग जो वैक्सीन लगा के आ रहे थे उन्हें फ्री में मिल रहा था, तो मैंने भी सोचा कि पापा ऐसे करेंगे तो देश की भी भलाई होगी और कोरोना के कैसे बच पाएंगे।